जया कावड़े, जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा लेक्चर बीकॉम फाइनल ईयर हिंदी मीडियम के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो स्टूडेंट्स, हमने अमल कमीशन का प्रॉब्लम नंबर 8 को शुरुआत की थी, जिसका कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट्स या परचेज कंसिडरेशन वो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। उसका टच एंड रन दो वेंडर कंपनियां थी और दो वेंडर कंपनियां मिला के एक नई कंपनी फॉर्म हो रही थी, उसका नाम था टच एंड रन कंपनी लिमिटेड। तो टच एंड रन कंपनी जो है वो उसका जो नेट असेट्स का नेट असेट्स के थ्रू जो परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना था और जो मोड ऑफ पेमेंट था परचेज कंसिडरेशन का, वो हमने पिछले लेक्चर में देखा है। अब इस लेक्चर में जो एक्चुअल सॉल्यूशन है, एक्चुअल सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 1 है ये। तो पार्ट नंबर 1 में हमें जो वेंडर कंपनी थी, दूसरी पहली टच कंपनी और दूसरी रन कंपनी, तो रन कंपनी की बुक्स में जो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स हमें बनाने थे, वो हमारा सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 1 हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट है नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ रन कंपनी लिमिटेड। तो अब देखिए, जैसे कि नेसेसरी लेजर अकाउंट्स में कौन से अकाउंट बनने चाहिए, इसका एक प्रॉब्लम हमारा इसके पहले हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो वो वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि हमने उसमें देखा था कि जो वेंडर कंपनी है वो वेंडर कंपनी की बुक्स में नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, कौन से लेजर अकाउंट्स उसमें बनाने पड़ते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि एक फर्स्ट नेसेसरी लेजर अकाउंट्स होता है रियलाइजेशन अकाउंट, देन दूसरा नेसेसरी लेजर अकाउंट होता है जो है शेयर होल्डर्स अकाउंट, और तीसरा होता है जिससे कि जो परचेसिंग कंपनी है वो परचेसिंग कंपनी का अकाउंट। तो ये नेसेसरी होते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम में आपको इन्फॉर्मेशन किस तरह से दी हुई है। अब देखिए, ये जो प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम में हमें इन्फॉर्मेशन जिस तरह से दी है उस हिसाब से हमने लेजर अकाउंट्स यहाँ पे बनाए हैं। तो पहले रियलाइजेशन अकाउंट, ये तो नेसेसरी है, ये तो बनाना ही है। देन दूसरा अकाउंट लिया है हमने डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अब इस प्रॉब्लम में डिबेंचर्स दिए हुए थे और जो डिबेंचर्स है वो डिबेंचर्स हमें डिबेंचर होल्डर्स को ट्रांसफर करना थी। क्यों? क्योंकि जो नई कंपनी है परचेसिंग कंपनी, वो परचेसिंग कंपनी ने ये वेंडर कंपनी के परचेस डिबेंचर्स के बदले में अपने नए डिबेंचर्स इशू किए थे, और वो भी प्रीमियम वगैरह पे थे। इसीलिए हमने यहाँ पे एक जो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स में अकाउंट बनाया है वो है डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। देन तीसरा अकाउंट है क्रेडिटर्स अकाउंट। तो यहाँ पे जो क्रेडिटर्स है वो रन कंपनी के जो क्रेडिटर्स है वो क्रेडिटर्स परचेसिंग कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किए है, इसीलिए उन क्रेडिटर्स का पेमेंट हमें करना है, इसलिए हमने यहाँ पे क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाया है। देन नेक्स्ट कैश और बैंक अकाउंट। तो कैश और बैंक, जो रन कंपनी की जो कैश या बैंक बैलेंस था वो परचेसिंग कंपनी ने टेकन ओवर नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए इसका हिसाब हमें सेपरेटली रखना पड़ेगा। जो भी असेट्स या जो भी लायबिलिटी जो परचेसिंग कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं की है या टेकन ओवर नहीं की है, उस हर असेट का, उस हर लायबिलिटी का अकाउंट बनता है, इसलिए जो कैश और बैंक था इसका अकाउंट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। देन नेक्स्ट है शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये तो नेसेसरी अकाउंट्स है, क्योंकि शेयर होल्डर्स के जो शेयर्स होंगे या फिर जो इंटरनल लायबिलिटीज होंगी जो शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर करनी है, उसके लिए हमें शेयर होल्डर्स अकाउंट बनाना है। और देन नेक्स्ट और लास्ट अकाउंट है टच एंड रन कंपनीज लिमिटेड अकाउंट, मतलब कि जो परचेसिंग कंपनी है उसका अकाउंट भी हमें यहाँ पे बनाना है, क्योंकि यहाँ पे जो परचेस कंसिडरेशन का लेन देन है उसका हिसाब किताब हमें इस अकाउंट में रखना है। तो इस तरह से ये 6 अकाउंट्स, कुल मिला के 6 अकाउंट्स हमने यहाँ पे बनाए हैं। तो अब देखते हैं कि इस अकाउंट्स में लेजर पोस्टिंग हमें किस तरह से करना है। तो लेजर पोस्टिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है वो होती है जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले हमें रन कंपनी में क्या क्या जर्नल एंट्रीज होंगी ये थिंक करना पड़ेगा, और वो जर्नल एंट्रीज के हिसाब से यहाँ पे हमें लेजर पोस्टिंग करना होगा। अब जर्नल एंट्रीज बनानी है तो हमें सबसे पहले ये
याद आना चाहिए या ध्यान में रखना चाहिए कि जो बेसिक एंट्रीज मैंने आपको बताई थी कि वेंडर कंपनी की बुक्स में क्या क्या बेसिक एंट्रीज होनी चाहिए, तो उस सीक्वेंस के हिसाब से सबसे पहले हमें यहाँ पे बेसिक एंट्रीज मतलब इसकी क्या क्या एंट्रीज होंगी, मतलब जिस तरह से प्रॉब्लम्स हमें बताया है, प्रॉब्लम्स में जिस तरह से हमें इंफॉर्मेशन बताई है, तो उस सीक्वेंस से हमें सबसे पहले जर्नल एंट्रीज, ओरली जर्नल एंट्रीज हम करेंगे और उसके आधार से हम लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो रन कंपनी की बुक्स में हम लेजर अकाउंट बना रहे हैं, ये सबसे पहली महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात ये है कि जो रन कंपनी है वो रन कंपनी वेंडर कंपनी है, इसलिए हमें खुद को वेंडर कंपनी एज्यूम करना है और उसके हिसाब से हमें उसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो वेंडर कंपनी की बुक्स में सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या होती है, ये बेसिक एंट्री में आपको बताया गया है। तो सबसे पहले जो बैलेंस शीट में पुरानी कंपनी की जो बैलेंस शीट है, वो बैलेंस शीट में जो भी असेट्स होंगी वो सारी की सारी असेट्स हमें रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम जब असेट्स ट्रांसफर करते हैं तो उसकी एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जाएगा। और जो वो जो जो असेट्स हमने परचेसिंग कंपनी ने एक्सेप्ट की है वो सारे के सारे असेट्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब हमने नेट असेट्स का कैलकुलेशन किया था, वहां हमने क्या किया था कि जो असेट्स परचेसिंग कंपनी ने एक्सेप्ट की है और जिस वैल्यू पे एक्सेप्ट की है उसी वैल्यू पे वही असेट्स हमने नेट असेट्स का कैलकुलेशन करते वक्त ली थी। लेकिन जब हम रियलाइजेशन अकाउंट को असेट्स ट्रांसफर करते हैं तब वहाँ पे सारी की सारी असेट्स यहाँ पे बुक वैल्यू पे लेना है और जो असेट्स यहाँ परचेसिंग कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं की है उन असेट्स का हमें सेपरेटली अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो पहली एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, वेरियस असेट्स अकाउंट। तो अब देखते हैं असेट्स में क्या क्या असेट्स और कौन कौन सी असेट्स क्वेश्चन में हमें दी गई थी। तो सबसे पहले रन कंपनी की बैलेंस शीट में देखिए कि कौन कौन सी असेट थी। तो सबसे पहले था फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जो असेट्स का अकाउंट क्रेडिट हुआ है उन असेट्स के नाम से यहाँ पे टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट के नाम से फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की अमाउंट है ₹60,000। तो ₹60,000 फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के नाम से। देन नेक्स्ट असेट है प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पे टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है ₹15,000। रन कंपनी में देखिए ₹15,000। देन नेक्स्ट तीसरी असेट है स्टॉक, तो टू स्टॉक अकाउंट ₹78,000, टू स्टॉक अकाउंट ₹78,000। देन नेक्स्ट असेट है डेटर्स, तो टू डेटर्स अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट, तो डेटर्स है ₹21,000। जो असेट सिर्फ कैश अकाउंट को छोड़ के सारी की सारी असेट्स हमें यहाँ पे ट्रांसफर करनी है। अब देखिए डेटर्स अकाउंट जो डेटर्स था वो टच एंड रन कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर किया है क्योंकि वो डेटर्स का रियलाइजेशन हमें करना है, मतलब कि डेटर्स का जो पेमेंट रिसीव्ड होगा वो पेमेंट रिसीव्ड की एंट्री हमें यहाँ पे बनानी है, मतलब डेटर से हमें पैसे मिलने वाले हैं ये एज्यूम करना है, तो उसकी एक जर्नल एंट्रीज हमें उसके साथ में पास करनी है, इसलिए हमने यहाँ पे डेटर्स अकाउंट ट्रांसफर किया है। देन नेक्स्ट असेट है कैश, तो यहाँ पे कैश नहीं आएगा, तो कैश जो है वो कैश अकाउंट में उसका बैलेंस रहेगा,
कैश अकाउंट के डेबिट साइड में उसका बैलेंस आएगा, डेबिट बैलेंस रहता है तो वो डेबिट बैलेंस आएगा ₹18,000, डेबिट बैलेंस है ₹18,000। अब असेट्स अकाउंट हो गए हैं, मतलब हमारी पहली एंट्री पास हो गई है, रियलाइजेशन अकाउंट टू वेरियस असेट्स अकाउंट क्रेडिट या टू वेरियस असेट्स अकाउंट। तो ऑल असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, फर्स्ट एंट्री पास हो गई है। देन नेक्स्ट एंट्री बनती है कि जो भी शेयर कैपिटल है, सॉरी जो भी लायबिलिटीज है, वो लायबिलिटीज एक्सटर्नल लायबिलिटीज हमें रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर करनी पड़ती है। तो जो लायबिलिटी है, लायबिलिटीज में डिबेंचर्स है, वो तो डिबेंचर्स यहाँ पे आएंगे नहीं, और जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है तो वो क्रेडिटर्स भी लायबिलिटी को ट्रांसफर रियलाइजेशन को ट्रांसफर नहीं होंगे, क्योंकि उन क्रेडिटर्स का हमें सेपरेटली पेमेंट करना है। तो जो क्रेडिटर्स अकाउंट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, उस क्रेडिटर्स अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस हमारा आएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट में बैलेंस आएगा ₹32,000, ठीक है। देन जो डिबेंचर्स है, तो वो डिबेंचर्स डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर होंगे। तो जब डिबेंचर हमें डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर करना है, तो उसकी एंट्री हमारी यहाँ पे बनेगी, जो डिबेंचर्स है उसका बैलेंस क्रेडिट में है तो वो डेबिट हो जाएगा, तो उसकी एंट्री बनेगी 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, तो वो डिबेंचर होल्डर्स को ट्रांसफर हो जाएगा। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में 8% डिबेंचर्स की नाम से आएगा, 8% डिबेंचर्स अकाउंट। तो 8% डिबेंचर्स कितने का अमाउंट था, ₹60,000। तो ये तीसरी एंट्री हमारी हो गई है। देन नेक्स्ट चौथी एंट्री रहेगी कि जो जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस था, वो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट होगा। तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का जब पेमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो एक्सपेंसेस है तो वो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, तो उसकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और कैश गई है, ₹2,000 का एक्सपेंसेस किया है, तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में कैश या बैंक अकाउंट के नाम से, तो टू बैंक अकाउंट ₹2,000, यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से, रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख लेंगे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ₹2,000। देन जो नेक्स्ट एंट्री है, वो जो शेयर होल्डर्स अकाउंट जो शेयर कैपिटल है और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो वो शेयर होल्डर्स अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें शेयर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर करना है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेयर होल्डर अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसकी एंट्री बनेगी पहले से जो शेयर कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि वो लायबिलिटी साइड में है। अब जब वो शेयर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएंगे, तो वो शेयर होल्डर्स अकाउंट के डेबिट शेयर होल्डर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट उसकी एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट। तो शेयर होल्डर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में शेयर कैपिटल के नाम से और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, तो यहाँ पे सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल कितना है ₹80,000, और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना है ₹20,000। तो इस तरह से शेयर कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमने ट्रांसफर कर लिया है, डिबेंचर्स भी डिबेंचर होल्डर्स को ट्रांसफर कर ली है, देन जो क्रेडिटर्स था वो क्रेडिटर्स का बैलेंस हमने लिख लिया है,
इस तरह से जो बैलेंस शीट थी रन कंपनी लिमिटेड की, वो बैलेंस शीट अब पूरी की पूरी तरह से खाली हो चुकी है। देन जो नेक्स्ट एंट्री हमारी बनेगी वो बनेगी पीसी रिसीवेबल की। तो पीसी रिसीवेबल की एंट्री देखते हैं क्या बनती है। तो पीसी रिसीवेबल, जब हमें टच एंड रन कंपनी की तरफ से पीसी लेना है तो उसकी एंट्री बनती है परचेसिंग कंपनी का अकाउंट डेबिट, मतलब टच एंड रन कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। टच एंड रन कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो टच एंड रन कंपनी के डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से टच एंड रन कंपनी का परचेस कंसिडरेशन कितना था, तो वो था 185,000। तो 185,000। और रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में टच एंड रन कंपनी की नाम से, तो यहाँ पे टच एंड रन कंपनी लिमिटेड अकाउंट 185,000। तो ये होगी पीसी रिसीवेबल की एंट्री। देन नेक्स्ट एंट्री बनेगी पीसी रिसीव्ड की। तो पीसी रिसीव्ड किस फॉर्म में हो रहा है, डिबेंचर समय मिलने वाले हैं। रन कंपनी की परचेस कंसिडरेशन, मोड ऑफ परचेस कंसिडरेशन में हमने देखा है कि 8% डिबेंचर्स मिलने वाले हैं, और देन बची हुई जो अमाउंट है 185,000 में से उसका शेयर्स मिलने वाला है, और देन टच एंड रन कंपनी अकाउंट क्रेडिट। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, पीसी रिसीव्ड की, तो 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कितना था अमाउंट ₹63,000। देन शेयर्स इन टच एंड रन लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1,22,000, और टच एंड रन कंपनी लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट 1,85,000। तो अब उसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं। 8% डिबेंचर्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, शेयर्स का अकाउंट डेबिट, और टच एंड रन कंपनी का अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे लेजर पोस्टिंग होगी टच एंड रन कंपनी के अकाउंट के क्रेडिट साइड में, पहले 8% डिबेंचर्स अकाउंट के नाम से, 8% डिबेंचर्स अकाउंट अमाउंट है ₹63,000, और देन शेयर्स इन टच एंड रन कंपनी, शेयर्स इन टच एंड रन कंपनी लिमिटेड के नाम से वो है ₹1,22,000। तो इस तरह से परचेस कंसिडरेशन रिसीवेबल की एंट्री हमारी बन जाती है। देन नेक्स्ट एंट्री है जो डेटर्स थे, तो उन डेटर्स को हमने रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर किया था, लेकिन डेटर्स जो है वो टच एंड रन कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किए थे। तो जो डेटर्स है उनका हमें पेमेंट रिसीव्ड हो जाएगा, ये हमें एज्यूम करना है। तो वो डेटर्स रिसीव्ड की, डेटर्स से कैश रिसीव्ड की एंट्री हमें करनी है। तो उसका जो एंट्री है उसकी एंट्री बनेगी, पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और डेटर्स है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में है। अब रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो डेटर्स से पेमेंट रिसीव्ड की एंट्री हमारी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो उसकी लेजर पोस्टिंग देखते हैं, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से, रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से, बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से ब्रैकेट में लिख लेंगे कि ये जो अमाउंट है ये हमें डेटर्स की तरफ से मिली है ₹21,000। और इसका जो दूसरी एंट्री बनेगी, दूसरी पोस्टिंग होगी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बैंक अकाउंट के नाम से, बैंक अकाउंट, यहाँ पे भी हम ब्रैकेट में लिख लेंगे डेटर्स के नाम से, ये डेटर्स की तरफ से हमें ₹21,000 मिले। तो डेटर्स की तरफ से आप पैसे मिल गए। अब जो क्रेडिटर्स थे वो क्रेडिटर्स का पेमेंट हमें करना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट एंट्री जो बनेगी वो बनेगी क्रेडिटर्स के पेमेंट की। अब क्रेडिटर्स के पेमेंट की जब एंट्री हम करते हैं, जो असेट्स थी वो असेट्स हमने रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर कर ली थी,
लेकिन जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी हम रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करते, उसका सेपरेट अकाउंट बनता है। इसके पहले थोड़ा सा मिसमैच हो गया था, मैंने डेटर्स अकाउंट सेपरेट बनता है बोला था, उस पे वो नहीं है। जो सिर्फ कैश अकाउंट रहेगा, जो टच एंड रन कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, वो कैश अकाउंट ही सेपरेट बनेगा। बाकी की जो सेट्स होंगी वो चाहे परचेसिंग कंपनी ने एक्सेप्ट की हो या नहीं की हो, सारी की सारी असेट्स रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर होगी। लेकिन जो लायबिलिटीज है वो लायबिलिटीज का पेमेंट हमें इस क्वेश्चन में सेपरेटली बताया गया है, तो वो पेमेंट के लिए हमने यहाँ पे क्रेडिटर्स का अकाउंट सेपरेट बनाया है। तो अब देखते हैं क्रेडिटर्स के पेमेंट की एंट्री। तो एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर्स का पेमेंट होने वाला है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट और पेमेंट कर रहे हैं हम, तो हमारे पास से कैश या बैंक बैलेंस कम होगा, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में लेजर पोस्टिंग, क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में बैंक अकाउंट की नाम से बैंक अकाउंट रुपीज 32,000। और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेते हैं क्रेडिटर्स के नाम से क्रेडिटर्स अकाउंट, यहाँ पे लिख लेंगे पेमेंट, क्रेडिटर्स का पेमेंट रुपीज 32,000। अब हो गया कि डेटर्स से पैसे मिले और क्रेडिटर्स को पैसे दिए, उसका पेमेंट किया। देन अब नेक्स्ट एंट्री बनती है हमारी, जो डिबेंचर्स थे, डिबेंचर्स हमें टच एंड रन कंपनी से मिले थे, वो डिबेंचर्स टच एंड रन कंपनी से जो डिबेंचर्स हमें मिले थे वो डिबेंचर्स अब हमें डिबेंचर होल्डर्स को ट्रांसफर करना है। तो डिबेंचर होल्डर्स को जब हम वो डिबेंचर्स ट्रांसफर करेंगे तो उसकी एंट्री बनेगी, डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर्स ट्रांसफर करने हैं तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट एंड 8% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि ये जब डिबेंचर्स मिले थे तब इनका अकाउंट डेबिट हुआ था, अब ये डिबेंचर होल्डर्स को ट्रांसफर कर देंगे तो उनका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट एंड 8% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट के डेबिट साइड में 8% डिबेंचर्स इन टच एंड रन कंपनी लिमिटेड, 8% डिबेंचर्स इन टच एंड रन कंपनी लिमिटेड अकाउंट, तो वो कितने हैं रुपीज 63,000। अब देखिए जो डिबेंचर्स थे वो हमने डिबेंचर होल्डर्स को ट्रांसफर कर लिए, अब यहाँ के सिर्फ शेयर्स बचे हैं तो वो शेयर्स लास्ट में हम शेयर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। तो अब सबसे पहले वो शेयर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर करने से पहले डिबेंचर होल्डर्स को हम क्लोज करते हैं। तो डिबेंचर होल्डर्स को जब डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट जब हम क्लोज करेंगे तो उस पे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट में देखिए जो डेबिट बैलेंस है, मतलब डेबिट साइड की जो टोटल अमाउंट है वो है ₹63,000, और क्रेडिट साइड में देखिए जो टोटल है वो है ₹60,000। तो जो क्रेडिट यहाँ पे जो बैलेंस बचता है वो है डेबिट बैलेंस, तो यहाँ पे जो बैलेंस बचता है वो हमें रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ता है। रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे हमारा लॉस हुआ है क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स का जो पेमेंट करना था वो कितना था, मतलब पुराने डिबेंचर्स कितने थे उनके पास 60,000, अब लेकिन हमने उनको पेमेंट कितना किया है, मतलब कितने डिबेंचर्स दिए हैं नई कंपनी के 63,000। तो यहाँ पे हमारा जो लॉस हुआ है वो रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा ₹3,000, और इस तरह से ये 63,000 से क्लोज हो जाएगा। ये जो 3,000 का हमारा लॉस हुआ है ये रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर होगा। तो इसकी एंट्री हमारी बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। तो लेजर पोस्टिंग रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट के नाम से टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट ब्रैकेट में हम लिख लेंगे लॉस। ये 3,000 रुपीज किसके है, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट पे जो लॉस आया है वो लॉस। देन अब जो रियलाइजेशन अकाउंट के सब जो सारे के सारे जो आइटम्स थे वो हमने लिख लिए हैं,
अब रियलाइजेशन अकाउंट का भी हम बैलेंसिंग करेंगे। अब जब रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंसिंग करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट पे हमें जो डेबिट साइड की टोटल है वो डेबिट साइड की टोटल और क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे और उसमें जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस आता है क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड की टोटल कम है। तो डेबिट साइड की टोटल कितनी कम है तो वो है ₹27,000। तो ये हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रॉफिट ₹27,000। और ये जो प्रॉफिट है ₹27,000 रियलाइजेशन अकाउंट पे जो प्रॉफिट आया है वो रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट हमें ट्रांसफर करना है शेयर होल्डर्स अकाउंट को। तो उसकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट है तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट एंड टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो शेयर होल्डर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से ब्रैकेट में हम लिख लेंगे प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट है रुपीज ट्वेंटी सेवन थाउजेंड। अब जो ट्रांजेक्शन हमें बताए गए थे क्वेश्चन में वो सब ट्रांजेक्शन हमने लिख लिए हैं। देन हमने डिबेंचर होल्डर्स का अकाउंट क्लोज कर दिया है। अब रियलाइजेशन अकाउंट भी हमारा क्लोज हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ का प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट किया है। यहाँ पे प्रॉफिट आया है ₹27,000। ये इसकी टोटल कर लेंगे तो वो बन जाएगा ₹2,06,000। देन डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्लोज हो गया। क्रेडिटर्स अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा क्योंकि उसका पेमेंट हमने कर लिया है 32,000। तो यहाँ पे कोई भी बैलेंस नहीं बचता तो 32,000 से क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। तो कैश और बैंक अकाउंट में जब हम इसकी टोटल करेंगे तो इसमें बैलेंस बचता है ₹5,000। तो यहाँ पे जो बैलेंस बचता है ₹5,000 क्रेडिट साइड में, ये जो ₹5,000 बचे हैं ये हमें शेयर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर करना है। तो उसकी एंट्री बनेगी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो शेयर होल्डर्स अकाउंट के डेबिट साइड में बैंक अकाउंट के नाम से बैंक अकाउंट ₹5,000। ठीक है, और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये जो ₹5,000 बैलेंस है वो आएगा शेयर होल्डर्स अकाउंट के नाम से शेयर होल्डर्स अकाउंट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बैलेंस ट्रांसफर, शेयर होल्डर्स अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर। इस तरह से कैश एंड बैंक बैलेंस बैंक अकाउंट का टोटल हो जाएगा ₹39,000। देन जो लास्ट अकाउंट हमारा बना था टच एंड रन कंपनी का, ये भी ₹1,85,000 से क्लोज हो जाएगा। ₹1,85,000। अब हमारा अकाउंट बचा है शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो शेयर होल्डर्स अकाउंट में जो शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस और रियलाइजेशन का प्रॉफिट वो हमने ट्रांसफर कर लिया था। बैंक बैलेंस जो बचा था वो बैंक बैलेंस भी हमने ट्रांसफर कर लिया था। अब जो टच एंड रन कंपनी की तरफ से शेयर्स हमें मिले थे वो शेयर्स हमें इन शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर करना है। तो उसकी एंट्री बनेगी ये जो बैंक बैलेंस है 5,000 और ये 1,22,000 के शेयर्स, इनकी कंबाइन एंट्री बनेगी। लास्ट एंट्री जो बनेगी वो एंट्री बनेगी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू शेयर्स इन टच एंड रन कंपनी लिमिटेड अकाउंट। तो इस तरह से ये 1,22,000 के शेयर्स और ₹5,000 कैश देके शेयर होल्डर्स अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट के नाम से हमने लिख लिया है टू बैंक अकाउंट 5,000 और अब सेकंड टू शेयर्स इन टच एंड रन कंपनी लिमिटेड
कंपनी लिमिटेड, तो वो है ₹1,22,000। इस तरह से शेयर होल्डर्स अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा ₹1,27,000 से, ₹1,27,000। तो लास्ट में हमें शेयर होल्डर्स अकाउंट क्लोज करना है, क्योंकि जो लास्ट में जो बैलेंस बचता है वो सब बैलेंस हमें शेयर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ता है। तो इस तरह से ये जो हमारा प्रॉब्लम नंबर 8 था टच एंड रन कंपनी का, इसका सॉल्यूशन का जो पार्ट नंबर 1 है नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ रन कंपनी लिमिटेड, ये आज हमने डिस्कस किया है। इस सॉल्यूशन का जो सेकंड पार्ट है ओपनिंग बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।